हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और आज का टॉपिक है कैसे हम अपने बच्चों में इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना काल चल रहा है, और इस कोरोना काल में हम सबको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, खास करके बच्चों की। 5 साल तक के बच्चों में इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है। जैसे उन्हें हर 2 महीने में कुछ ना कुछ बीमारी, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब होता ही रहता है। ऐसे तो आप सबको ही पता होगा, लेकिन ख़ास बात ये है कि इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छी सिरप, बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक सिरप अवेलेबल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमालय की सेप्टिलिन सिरप का, जिसे कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी ले सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है। लेकिन ये खास करके रिकमेंडेड है बच्चों के लिए, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसे मैंने खुद यूज़ करके देखा है। मेरी बेटी है 5 साल की, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ती थी। 4 साल तक वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ती थी, मतलब हर 2 महीने में उसे सर्दी, खांसी, बुखार हो जाया करता था। फिर मुझे इस सिरप के बारे में पता चला और मैंने उसे देना शुरू किया। 2 बॉटल्स पिलाने के बाद काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पता चला। पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो सिरप है उसे कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म के लिए पिलाना है, मतलब एटलीस्ट 6 मंथ to 1 ईयर अपने बच्चे को, तभी उसका इफ़ेक्ट आपको पता चल पाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसकी टैबलेट्स भी आती हैं। कई लोग होते हैं जो शुगर नहीं ले पाते, इसमें शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो जो लोग शुगर नहीं ले पाते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको ये टैबलेट लेनी चाहिए, उन्हें ये सिरप नहीं लेनी चाहिए। ये सिरप किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं, या ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से भी मंगवा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब आते हैं इसकी डोसेज पर। तो बच्चों के लिए, जो बच्चे 2 साल से बड़े हैं, जो बच्चे 2 साल से छोटे हैं, तो उनको ये सिरप देने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और जो बच्चे 2 साल से बड़े हैं, उनके लिए 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार देना है खाने के बाद। इवन एडल्ट्स में भी 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को, ये एडल्ट्स के लिए सिरप देनी है। तो ये हो गया डोसेज। अब बात करते हैं कि इसे किस किस को नहीं देना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये सिरप रिकमेंडेड नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी ये यूज़ नहीं करने चाहिए। खाना खाने के बाद ही इस सिरप को लेना चाहिए। अगर किसी पर्सन को कोई दूसरी बीमारी है, या कोई वो सप्लीमेंट ले रहा है, किसी भी तरह के विटामिन सप्लीमेंट ले रहा है, तो उसे एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए इस सिरप को लेने से पहले। वैसे इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स लगे कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था सेप्टिलिन सिरप के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग के काफ़ी काम आएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।